अरे क्यों भाई इंजीनियर साहब, तैयार हो? सर मेरा प्लान एकदम से रेडी है, आप जैसे ही ऑर्डर करिए काम शुरू हो जाएगा। मतलब सारी तैयारी हो चुकी है? जी सर, मजदूर भी आ गए हैं, क्रेन भी आ गई है, ये देखिए। अरे भाई से बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत समझदार है ये। आप इशारा तो करो, दो मिनट में पूरी की पूरी बिल्डिंग यूं ढेर। हाँ ठीक कहा आपने, तो भाई देर किस बात की है, चलो काम शुरू करो। बस सर एक बार अंदर नजर मार लूं, उसके बाद काम शुरू। ठीक है देख लो, तब तक आप प्लान देखिए। अरे मदन। जी साहब। देख रेडी रहना, यहां से तोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है? ठीक है साहब। क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहे हो? सर अंदर अंदर सर। अरे क्या है अंदर? सर अंदर एक आदमी की लाश पड़ी है सर, लाश। साहब एक चौंका देने वाली खबर पता चली है सर। क्या? ओह माय गॉड। बॉस ये रिपोर्ट देखो। विश्वनाथ, इसीलिए चेतन का खून किया तुम? कब पता चला था तुम्हें कि चेतन तुम्हारा बेटा नहीं है? कब पता चला था? क्या ये हमारा बेटा नहीं? जी मैडम, ये आपका बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डीएनए अलग है और आप लोगों का अलग। ये कैसा मजाक? एसीपी साहब, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 11 साल से हम अपनी बेटे के इंतजार में घर में बैठे रोते रहे, तड़पते रहे। एक दिन अचानक आप लोग आए और कहने लगे कि ये हमारा बेटा है। हम आप लोग कह रहे कि ये हमारा बेटा नहीं है। लेकिन अपनी सारी जायदाद तेरे नाम करने वाला है। कोई भी काम ऐसा मत करना कि बना बनाया खेल बिगड़ जाए। वो सब तो ठीक है मामा जी, लेकिन इस काम के मुझे कितने रुपए मिलेंगे? अरे भांजे, मैंने तुझे पहले ही बताया था ना कि तुझे पूरे 1,00,000 रुपए दूंगा। मेरे प्यारे मामा, तुम जितना समझते हो उतना सस्ता एक्टर नहीं हूँ। इस काम के मैं पूरे 10,00,000 रुपए लूंगा। हैं? वरना मैं चला और मैं अभी जाके ये सारी बात विश्वनाथ जी से कह दूंगा, समझे? अरे मेरे नकली भांजे, तू तो बुरा मान गया। देख मैं तुझे 10 नहीं पूरे 20,00,000 दूंगा। हैं? तू गाने सुन ना। हैं? गाने सुन, कल पार्टी है। हैं? और तुमने विश्वनाथ की गन से उसका खून कर दिया और फिर काम होने के बाद उस लैब असिस्टेंट को भी गोली मार दी, क्यों? हाँ। और वो लाश जो हमें उस नकली चेतन के पास से मिली थी, वो किसकी थी? मुझे नहीं मालूम, मैं तो मुर्दा घर से एक लावारिश लाश को उठा के लाया था ताकि चेतन के मिलने का नाटक सच्चा लगे और मुझ पर किसी को शक ना हो। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने बहन के बेटे का अपहरण करवाया तुमने। ऑफिसर, लेकिन फिर मेरा बेटा चेतन वो कहाँ है? वो हॉस्पिटल में है, सही सलामत है। और मामा जी तुम तो गए, एक बच्चे का अपहरण, दो दो खून, तुम्हें तो फांसी से कोई नहीं बचा सकता। ये गाड़ी किसकी है? तुम इधर आओ। पार्किंग इंचार्ज सुबह हो? हाँ साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? ये इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? हाँ साहब दिखाई दे रही है। जब ये आदमी अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे चिपका रहा था तो तुम क्या सो रहे थे? नहीं साहब, मैं टॉयलेट गया था। इसी वक्त जाना था तुम्हें टॉयलेट? मुझे गाड़ी निकालनी है अभी इसी वक्त।
जब उस आदमी को ढूंढो या फिर इस गाड़ी की चाबी लेके आओ। जाओ। जी साहब। गाड़ी मुझे आज ही निकालनी है। हाँ सब समझ गया। जल्दी। Oh my God! सुनो भाई, मेरी वाइफ मनीषा का जन्मदिन है। अच्छा। उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। ऐसी ज्वेलरी दिखा ना जिसे देख के उसकी होश उड़ जाए। ये देखिए सर। ये कितने का है? 30,000। 30,000? थोड़ा सस्ता वाला दिखाना। ये देखिए। मास्क पहन के यहाँ तो शायद किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में से आ रहे होंगे ज्वेलरी भी खरीदने के लिए। और ये देखिए सर। ए, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ए, सब लोग जमीन पर लेट जाओ। ए, कोई हिलेगा नहीं। तू भी चल सो जा। चल ना। नीचे 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 सुनता नहीं। चल सो जा, लेट जाओ सब। नीचे झुक और कोई बोलेगा नहीं। ले जाए चल नीचे। ए, चल लेटना। अरे अरे सुनो भाई। अब अरे ये हिम्मत। चल लेट जा। सर जब मैं रिसेप्शन छोड़कर बाकी गेस्ट को समझाने के लिए गई तो नहीं नहीं हमें ऑर्डर दिया गया है कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये क्या मजाक है ये? प्लीज आप बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमें कुछ समझना नहीं है, बस हमें जाने दीजिए यहाँ से। मेरी नौकरी चली जाएगी। CID की पूछताछ चालू है। जब तक CID की पूछताछ नहीं हो जाती तब तक आप लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अरे इसमें हमने क्या किया है? अगर वो अपने कमरे से कूद पड़ा है तो उसमें हमारा क्या कसूर? मैं समझ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम, लेकिन CID का मामला है। किसी का भी मामला हो, हमें तो ये भी पता नहीं कि हमें यहाँ क्यों रोक के रखा है। अगर आप ज्यादा देर हमें रोकेंगे तो हम खुद ही चले जाएंगे यहाँ से। देखते हैं कौन रोकता है हमें। तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से ये धनेश चकमा देकर निकल गया। सॉरी सर। ठीक है, आप उस धनेश का स्केच बनवा सकती हैं? जी हाँ। तुम क्यों चौंक गए मुझे यहाँ देखकर? नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम यहाँ इस होटल में क्या कर रहे हो? एक जरूरी काम था, उसी को पूरा करने आया। क्या जरूरी काम? बताता हूँ, एक ड्रिंक मेरे लिए। ओशो। तुमने बताया नहीं क्या जरूरी काम था? बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। उस बेचारे को तो पता भी नहीं चला कि उसकी विस्की में एलएसडी मैंने मिलाया था। तुमने पुलकित को क्यों मारा? मैंने एलएसडी के नशे में पुलकित को बता दिया कि मैं डॉक्टर अमित को खत्म कर दूंगा। फिर मुझे समझ में आया कि मैंने क्या कर दिया। फिर मैंने उसे PCO से फोन किया कि मैं आ रहा हूं। मुझे लगा कि वो भाग जाएगा, पर जब मैं वहां पहुंचा तो पुलकित एलएसडी के नशे में धुत था। फिर मैंने उसे भी मार दिया। डॉक्टर रमित ने जो किया वो तो ठीक नहीं था, लेकिन तुमने जो दो दो खून किए उसकी कोई माफी नहीं। शायद फांसी ही होगी तुम्हें। उस दिन बॉस की पार्टी में पूजा को देखा था, कैसे बॉयफ्रेंड के गले में हार डाल के घूम रही थी। सब लोग उसी को देख रहे थे। हाँ यार, और पूरी पार्टी वो ऐसे दिखा रही थी जैसे पार्टी उन्होंने ही दी हो अपनी शादी की। आज देखते हैं क्या होता है। सोफिया, टाइम क्या हुआ है? अरे यार, अब तो एक एक पल काटना मुश्किल है। अभी तो सिर्फ 6:30 हुए हैं, पार्टी शुरू होने में पूरा आधा घंटा बाकी है, आराम से जाएंगे। और वैसे भी पार्टी में जितना लेट जाओ उतना अच्छा है। अरे माही, तुम भी चल रही है पर्स की फेयरवेल पार्टी में?
अरे पार्थ की फेयरवेल पार्टी और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है? वैसे पार्टी है कहाँ पे? उसके रिजॉर्ट में। मैं तो समझी थी कि उसके घर पर है। अरे वहाँ तो पहुँचने में भी 1-1.5 घंटा लगेगा। चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो हेलो। अरे मैं तुम्हें ही मैसेज कर रही थी, मैं बस निकल ही रही हूँ। इनफैक्ट यूँ समझो कि मैं निकल ही चुकी हूँ। अच्छा अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ हो? ओ ठीक है मैं बस पहुँच ही रही हूँ। ओके बाबा पहुँच रही हूँ। तो ठीक है बस मैं पहुँच रही हूँ, बाय। माय गॉड माही, ये तुम्हारी जैकेट पे क्या लगा है? जैकेट पे? लॉन्ड्री से मंगवाया है। क्या बात है? सर हमारे ऑफिस में एक बात हुई है। कोई एक्सीडेंट हुआ है? खून मिला है सर। खून? हाँ सर खून। कहाँ पे मिला है खून? हमारे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, उसी की जैकेट पे। तो क्या हुआ, हाथ वाथ कट गया होगा उसका? तो लग गया तो? नहीं सर कुछ गड़बड़ है, उसका एक बॉयफ्रेंड है, 1-2 हफ्ते से वो गायब है। बॉयफ्रेंड गायब है? क्या नाम है इस लड़की का? माही सर, माही। सर मैं वाकई नहीं जानती कि इस जैकेट पर ये खून आया कैसे। ये लोग पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़े हुए सर। ये अब कहीं से तो लगा होगा इस जैकेट पे खून। सर लेकिन मैं सच में नहीं जानती कि ये कहां से लगा है। इनफैक्ट सर ये जैकेट तो अभी अभी लॉन्ड्री से धुल कर आई है। लॉन्ड्री से धुल के? तो आपका मतलब है कि लॉन्ड्री से धुल के आने के बाद भी ये खून लगा रह गया इस जैकेट पे? सर लॉन्ड्री में जाने से पहले ये खून इस पर था ही नहीं। सर हो सकता है कि वहीं से लगकर आया हो। सच कह रहे हैं? हाँ सर मैं सच कह रही हूँ। इन लोगों का कहना है कि आपका बॉयफ्रेंड भी गायब है। हाँ लेकिन मैं नहीं जानती कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया। वो मुझे डिच करके गया है, हो सकता है कि शहर के बाहर गया हो। देखो अगर झूठ बोल रही हो तो पकड़ी जाओगे। फिलहाल हम लोग उस लॉन्ड्री वाले से पूछताछ करके देखते हैं। अरे मदन, वो 604 के कपड़े तैयार हुए कि नहीं कतारा बिल्डिंग वाले? हाँ सर तैयार है, बस खाली 2 कपड़ों पे प्रेस मारना बाकी है। अच्छा ठीक है, जब कपड़े लेके जाओगे ना तो आते वक्त 300 के कपड़े लेकर आना। सवेरे बोलकर गया है बहुत सारे कपड़े कह रहा था, प्रेस करने हैं धोने हैं, समझा? ठीक है। मैडम आप फिर आ गई। तो हमने बता दिया ना कि वो फोन हमारे यहाँ नहीं लगा है। तो फिर कहाँ पे लगा है? अच्छा तो आप और लोगों को भी साथ में लेकर आ गए। देखो भाई साहब हम लोग सीआईडी से हैं और आपको बताना ही पड़ेगा कि इस जैकेट पे खून आया कहाँ से। साहब ये खून हमारे यहाँ नहीं लगा, ये झूठ बोल रही है। ये झूठ क्यों बोलेंगी? वो मुझे मालूम नहीं, मगर ये जब भी आती है कुछ ना कुछ हंगामा खड़ा कर देती है, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। हो सकता है ये खून इन्हीं ने लगाया हो। हाँ, मैं अपने ही कपड़ों पर खुद खून लगाऊंगी, है ना? हाँ, नहीं तो क्या, मुझे फंसाने के लिए। ना खूबसूरत समय है ना ये। देखा काम के अलावा भी एक अलग लाइफ होती है। वो तो है, दिन रात सिर्फ काम 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 काम।
खुशबू आ रही है ना मिट्टी से, सौंधी सौंधी सी। हाँ, पहली बारिश में ऐसी खुशबू आती है जमीन में से, सौंधी सौंधी सी। जंगल का अपना एक मजा होता है ना। कोयल, सुबह सुना तुमने? हाँ। कितनी सुरीली है। तुम रुको। कितना खूबसूरत है यार। अरे सुमित तुम क्या कर रहे हो वहां? चलो। अरे तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? सुमित! सुमित तेरे को क्या है? क्या हुआ? हाथ! Oh my God! ये तो किसी का हाथ है। सुमित? कंगन? सुमित लगता है किसी लड़की का हाथ है। किसी प्यार व्यार का चक्कर है। चलो राखी, यहाँ से निकल चलते हैं। अगर हमें किसी ने देख लिया ना तो फंस जाएंगे। चलो। नहीं, नहीं भागेंगे। नहीं, हमें सीआईडी को फोन करना चाहिए। पागल हो गए तुम? क्यों झमेले में फंसे हो सीआईडी के? अगर उनके चक्कर में एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ से चलो जल्दी। नहीं, हम नहीं भागेंगे तुम्हें। इस मरने वाली लड़की को हम इंसाफ जरूर दिलाएंगे तुम्हें। सर, सर वो वहां पर। जरा संभाल के देखो आसपास, कोई सबूत पैरों के नीचे ना आ जाए। लाश को हाथ लगाया था आप लोगों ने? जी नहीं सर। सुबह खोदो इसे। देखो लाश को नुकसान नहीं होना चाहिए। यस सर। इतने ऊपर जंगल में आप लोग यहाँ क्या करने आए? सर ट्रैकिंग पे आए थे, वो इतने दिनों बाद छुट्टी मिली थी तो सोचा कि सोचा सर कि नेचर का मजा ले लें। लेकिन अचानक सारी खुशी हवा में उड़ गई। सर यहाँ आसपास किसी को देखा? जी नहीं सर। किसी को भागते? जी नहीं सर। सर ये फूल भी डाल के गया इसको। बस ये देखिए क्लास, लाश गाड़ने के साथ साथ ये बुके भी गाड़ दिया। मामला थोड़ा अजीब है सर। इस लाश पर कहीं भी चोट वोट के निशान नहीं है। अच्छा, ये गला चेक करो, देखो गला घुटने का निशान तो नहीं। नहीं सर। आप लोग जरा इधर आइए। इसे जरा ध्यान से देखिए। आपने पहले कभी इसे देखा? जी नहीं। ठीक है सर, इस गुलदस्ते पे तो दुकान का नाम लिखा है। अच्छा, तूने बेवकूफ निकला। खून करने की बदहवासी में सबूत छोड़ गया हमारे लिए। क्या नाम क्या है फ्लावर शॉप का? ट्विंकल फ्लावर शॉप। ये सर फूल तो काफी ताजे लगते हैं। ऐसा लगता है कि दो तीन दिन पुराने होंगे सर।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.